बहुत कुछ बहुत पावरफुल बताने वाला हूँ, कसम से कह रहा हूँ साला बवाल हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुझ में एक नए इंसान का जन्म होगा। हाँ चल बता मुझे क्या हो रहा है तेरे साथ, क्यों तू इतना तना है, क्यों तू अकेला है, क्यों तेरे साथ आज कोई खड़ा नहीं है, क्यों तू डरता है, क्यों तू बार बार हारता है, क्यों तेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, क्यों तुझे ही सबसे ज्यादा धोखा मिलता है, क्यों तुझे ही बार बार नीचे गिराते हैं, क्यों तू ही इन सब चक्रों में बार बार पड़ता है। तुझे शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये सच है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो तू बार बार करता है, जिस वजह से हर बार तू पछताता है। हाँ ऐसी कुछ गलतियां तू हमेशा कर जाता है, जो तुझको तेरी औकात दिखा जाते हैं, जो तुझको बार बार बेगैरत साबित कर बैठते हैं। ऐसा क्या करता है तू, क्या तुझको पता है? शायद नहीं। टेंशन मत ले, सब कुछ मैं बताऊंगा तुझे। हाँ हाँ सब कुछ, ज्यादा चिंता मत कर। हर वो चीज जिसमें तू डरता है, हर वो चीज जो तुझे चाहिए, तुझे एकदम बवाल बना दूंगा, एकदम शानदार बना दूंगा। मुझे इसका राज पता है, मुझे इसकी वजह पता है। बस तो फिर बवाल बनने के लिए, एकदम शानदार होने के लिए तैयार हो जाओ। अब जो मजा आएगा ना साला, ये बड़े नसीब वाले लोगों को ही मिलता है। आगे मैं 10 ऐसी तगड़ी बातें बोलूंगा जिसमें कुछ गलतियां होगी जो सुधारनी है, कुछ खूबियां होगी जो खुद के अंदर उतारनी है। चलो शुरू करते हैं। पहली सलाह, मतलब हो जाओ। साला बहुत देख चुका हूँ अच्छे लोगों की हालत, जो अच्छा होता है अच्छा बनता है, लोगों के साथ अच्छे से रहता है, उनके लिए अच्छा सोचता है, वैसे लोगों को जमाना ठेंगा भी भाव नहीं देता। ठीक दूसरी तरफ जो लोग बहुत मतलबी होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देते हैं, ऐसे लोग ना तो सिर्फ तरक्की करते हैं बल्कि समाज इनकी ज्यादा इज्जत भी करता है। देखो मतलबी होने में कोई बुराई नहीं, हाँ यही किसी का गलत नहीं करता, लेकिन अपना सोचना है, पहले सिर्फ और सिर्फ अपना भला करना है। और याद रखना, अगर मतलबी बनोगे यानी ज्यादा ध्यान खुद का रखोगे तो कभी अफसोस के आंसू नहीं बहाओगे, इसीलिए मतलबी होना सीखो। दूसरी सलाह, खामोश हो जाओ, कोई कुछ भी कहे खामोश हो जाओ। चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल मच जाए, तुम बस शांत रहो। इस दुनिया को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे चिल्लाने से और रोने से। अब कामयाब होना है तो बस शांत रहो, खामोशी से अपनी मेहनत करो, तैयारी करो, तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। फिकर मत करो दूसरे किसी चीज की, सब सही था और रहेगा। जो जितना खामोशी से मेहनत करता है वो उतनी ही ऊंची उड़ान भरता है, तो बस इस बात को याद रखो और खामोश रहो। तीसरी सलाह, हर दिन खुद में थोड़ा बदलाव रखो। एक रिसर्च ने साबित किया है कि अगर तुम हर दिन खुद में 1% का भी बदलाव लाते हो तो आज से 1 साल बाद तुम आज के मुकाबले लगभग 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। देखो कितनी कमाल की बात है ये, हर दिन बस खुद में 1% का सुधार लाना है और ये प्रतिशत का बदलाव तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बल्कि जितनी भी अच्छी खूबियां हैं जो सब लोगों में होती है, जैसे पढ़ना, वर्कआउट करना, नई स्किल्स सीखना, उन्हें बस हर दिन 1% प्रैक्टिस करो। कसम से कह रहा हूँ 1 साल बाद बवाल हो जाएगा। चौथी सलाह, अच्छी संगत पकड़ो। संगत भी एक बहुत ही बेहतर असर डालती है किसी भी इंसान की जिंदगी पर। अगर संगत बढ़िया नहीं हुआ तो साला फिर कुछ भी नहीं होगा। संगत का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है और इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। संगत एक ऐसी चीज है जो भूल भटके आदमी को भी बहुत बेहतर बना सकती है, तो वहीं एक अच्छे खासे आदमी को खा कर सकती है। माना कि तुम होंगे बहुत अच्छे, लेकिन जहां 10 खराब लोग होंगे वहां उनकी खराबी का कुछ ना कुछ असर तुम पर भी होगा और बहुत जल्द तुम भी खराब बन जाओगे। पांचवी सलाह, जिम जाओ। जिम जाकर कसम से बवाल हो जाएगा। जब शरीर में बेताशा ताकत होगी और जब सब कुछ मस्त होगा तो सब कुछ बहुत जबरदस्त होगा। जिम जाने से शरीर में ताकत आएगी, दिमाग में सोचने समझने की शक्ति आएगी। ऐसे करने से दिमाग बहुत जबरदस्त काम करेगा और भीड़ में भी तुम एक दहाड़ते हुए शेर की तरह दिखोगे। इन सब से तुम्हारी जिंदगी बहुत जबरदस्त हो जाएगी और मजा भी भरपूर आएगा, नींद अच्छी आएगी और इसके बाद जो भी काम तुम करोगे वो एकदम परफेक्शन से होगा। सलाह नंबर 6,
ज्यादा सोचना छोड़ो। आज के समय में दुनिया की 95% आबादी से इस ज्यादा सोचने वाली बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे में जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही तड़पोगे, इसीलिए इसमें बेहतर क्या है, यही ना कि ज्यादा सोचने वाली आदत को अलविदा कहो और आगे बढ़ो। ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि वो चीजें कभी होगी ही नहीं जो तुम सोचते हो। ऊपर से ज्यादा सोचने की वजह से दिमाग पर भी बोझ महसूस होने लगता है। जब जब ऐसा होगा दिमाग बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं करेगा, तो उसकी नौबत क्यों लानी है, ये एक बड़ी खतरनाक बला है, तो इसे त्याग दो, ज्यादा सोचना खत्म करो, बहुत सुकून से रहोगे। सलाह नंबर 7, कुछ नया सोचो और करो। देखो अब दौर बदल गया है, वो घिसी पिटी वाली रूटीन फॉलो करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर बहुत बहुत ज्यादा कामयाब बनना है तो कुछ ऐसा करो जो कोई नहीं करता है। करना तो छोड़ो, कोई सोचता भी नहीं होगा, वो करना है वही करना है। ये कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई यूट्यूब चैनल कैटेगरी में एक यूनिक शुरुआत हो सकती है। कहने का मतलब है वो चीजें जो दूसरे ना करते हो। ऐसी आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिन्हें सॉल्व करके तुम बहुत पैसा बना सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। देर है तो बस उस बात की जब तुम्हें कुछ नया सोचना है और उस पर काम करना है, सब जबरदस्त होगा। सलाह नंबर 8, मैच्योर बनो। जिंदगी में इज्जत पाने के लिए, किसी का अटेंशन पाने के लिए या सबका फेवरेट बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैच्योर बनना, यानी समझदार बनना। जो भाव देता है उसे दो, जो नहीं देता है उसको इग्नोर करो। जहाँ ऐसा लगता है लोग तुम्हें नहीं पसंद करते वहाँ से हट जाओ। उनके साथ रहकर क्यों अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओगे। वो कहते हैं ना, मतलबी लोगों की झुंड में रहने से अच्छा है अकेले रहो। तो बस सीधी सी बात है, अकेले रहो और मैच्योर बनो, हर जगह मैच्योरली बिहेव करो। मैच्योरिटी तुमको बहुत इज्जत दिलाएगी, यकीन करना। सलाह नंबर 9, पैसा बचाओ। देखो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। याद रखना पैसा बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हीं बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट भी करना है। अगर सिर्फ पैसा बचाकर जमा करके रखोगे तो समय के साथ इसकी कीमत कम होती चली जाएगी। इसे इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर के लिए सक्सेस रहोगे। वक्त जब कैसा आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन उस वक्त से पहले अपने पास कुछ ना कुछ इनकम सोर्स और सेविंग बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए अपने पैसों पर ध्यान रखे, इसे बचाए और इन्वेस्ट भी करे। सलाह नंबर 10, अपने ऊपर भरोसा रखो। देखो अगर तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया क्या खाक भरोसा करेगी तुम पर। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, और जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा आत्मविश्वास होगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। बड़े बनने की शुरुआत ही होती है इस बात से कि तुम्हें खुद पर कितना भरोसा है, और अगर यही भरोसा आदमी का बुलंद है तो वो बहुत आगे जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। खुद के ऊपर बुलंद भरोसा रखो, यकीनन ऐसा रहोगे तो बेशक हर जंग जीत जाओगे। इसीलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, बस खुद पर भरोसा रखो, सब हासिल होगा। वीडियो में दिल में आग लगी हो, थोड़ा भी मजा आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।